हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं फ्रांस सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का पाठ है। अभी इससे पहले हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के प्रयोग देख चुके हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण में। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग जो आते हैं वाहनों में किया जाता है पार्श्व दल पृष्ठ देखने के लिए, मतलब पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो उसको देखने के लिए, क्योंकि वो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा दूसरा, दुकानों में क्या करते हैं, सिक्योरिटी दर्पण जो लगा रहता है, कैमरा जो लगा रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये दो प्रयोग था उत्तल दर्पण के लिए। इसके बाद हम लोग को देखना है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में क्या चिन्ह परिपाटी होता है कि अगर हम गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाए तो इस अवतल दर्पण के हमेशा बाएं तरफ जो होंगे, ये बाएं तरफ जो होगा, ये बाएं तरफ के सभी चिन्ह क्या होंगे, ऋणात्मक होते हैं। मतलब अगर हम वस्तु की ऊंचाई की बात करें, ये वाला वस्तु की ऊंचाई होता है जिसको हम लोग एस से लिखते हैं, तो ये वस्तु की ऊंचाई को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह रखेंगे। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि वस्तु की ऊंचाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो इस 3 सेंटीमीटर को हम लोग इसको प्लस में रखेंगे ऊंचाई के लिए। अब इसका अगर इस वस्तु से इस दर्पण के बीच का अगर दूरी निकालना हो तो ये दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, और यू हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होता है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है नोट के रूप में, या अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, हमेशा जो होगा वस्तु की जो दूरी जो होगी दर्पण से वो हमेशा ऋणात्मक ही होगी। तो ऋणात्मक, अगर हम क्वेश्चन में अगर बात करें कि ये अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि लेंस से दर्पण के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन का जब हल करेंगे तो उस समय इसके बगल में हम लोग नेगेटिव साइन दे देंगे, ऋणात्मक का चिन्ह देंगे, क्योंकि यू क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। अब नीचे की ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण है तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनता है। इसका प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बन रहा है तो यहाँ पे जो इसको ऊंचाई जो बनेगी ये एच डैश होगा, और इसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊंचाई को हम लोग वस्तु की जो ऊंचाई जो होगी वो होगी धनात्मक, लेकिन जो उसकी जो वस्तु की जब प्रतिबिंब बनेगा नीचे की तरफ तो उसको एच डैश से करेंगे, और ये हमेशा होता है ऋणात्मक। और ये प्रतिबिंब की जो दूरी को नापते हैं वो भी द्वारा बनाते हैं, तो भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण के केस में क्या होगा, ये ऋणात्मक ही होगा। तो मतलब अगर क्वेश्चन में ये दूरी अगर 5 सेंटीमीटर का दूरी था और इससे कम अगर बन रहा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह देंगे। अब अगर दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उधर वाला जितना जो कुछ भी रहेगा वो सब, अगर यह तो दर्पण की प्रतिबिंब की ऊंचाई बन जाए तो इधर से इसकी जो यहाँ से जो डिस्टेंस जो होगी, दूरी होगी, ये धनात्मक चिन्ह के रूप में रहता है। मतलब बाएं तरफ का चिन्ह ऋणात्मक होगा और दाएं तरफ का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक के रूप में रहता है। इसको देखना, दिमाग में ये बात बैठा के रखना है। दूसरा होता है, इसमें हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ पे v क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, u होगा वस्तु की दूरी, और f कहलाता है फोकस दूरी। तो इससे हम लोग 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये है दर्पण सूत्र। अब अगर किसी को प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो प्रतिबिंब की दूरी 1/v = हो जाएगा 1/f, और ये इधर पीछे की शिफ्ट हो जाएगा 1/u में कन्वर्ट हो गया। अब अगर वस्तु की दूरी निकालना है 1/(1/f - 1/v), मतलब एक से हम लोग दो और नए फॉर्मूला बना के हम लोग प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न जैसा रहेगा, अगर प्रतिबिंब की दूरी रहेगा तो इस फॉर्मूला से, वस्तु की दूरी निकालना है तो इस फॉर्मूला से, और अगर फोकस दूरी निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। साथ में चिन्ह पे ध्यान देंगे कि वह बाएं तरफ बन रहा है या दाएं तरफ बन रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, एक प्रश्न हल करेंगे जिसमें देखेंगे दर्पण सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसी के आगे चलते हैं, आवर्धन।
आवर्धन होता है कि वस्तु की ऊंचाई कितनी बन रही है, इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है तो वह प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, इसी को आवर्धन कहते हैं। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं और एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये है बिंब की ऊंचाई है, मतलब एच है। तो इस दोनों को यदि हम लोग अनुपात निकालेंगे, भाग देंगे, तो हमको आवर्धन पता चल जाएगा। और आवर्धन के लिए फॉर्मूला और हो जाता है एच डैश एच इक्वल टू माइनस भी माइनस यू होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली या जब इसके इस पर जब प्रश्न बनाएंगे फॉर्मूला के ऊपर में, तब समझेंगे किस प्रकार से इसका यूज हो रहा है। तो अभी के लिए हमको याद रखना है एम इक्वल टू एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू। इसमें एक चीज और हो गया, एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। एम ऋणात्मक है मतलब एम ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, माइनस है तो ये कैसा दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण होगा। अगर प्रतिबिंब ऋणात्मक बन रहा है, एम अगर ऋणात्मक आ रहा है तो ये दर्पण जो होगा ये अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ वस्तु है तो ये प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो ये कैसा होता है, ऋणात्मक होगा। और अगर एम धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये होगा उत्तल होगा लेंस, क्योंकि हमने देखा था प्रतिबिंब बनाते समय अगर वस्तु है तो ये यहाँ से टकरा के ये इधर की ओर जाती है तो प्रतिबिंब किधर बनता है, यहाँ पे बनता है। तो इधर वाला सारा चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो मतलब बिंब आभासी होगा, मतलब ये उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर प्रतिबिंब अगर धनात्मक प्रतीत होता है, आभासी बन रहा है, तो ये उत्तल दर्पण होता है और ये अवतल दर्पण होता है ज्यादातर सब केसों में। तो ये था अवतल दर्पण के उपयोग और गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी था आवर्धन के रूप में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।